दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज थोड़ा सा लंबा चलता है। मैं 2 से 3 साल का आपको टारगेट लेके चलता हूं कि इतना समय आपको लग सकता है। और जो पुराना केस होता है वो केस हम लेते नहीं है, क्योंकि पुराना न्यूरोफाइब्रोमा ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपको अपना न्यूरोफाइब्रोमा पुराना नहीं करना है। दोस्तों इस इलाज में हम पतले हो जाते हैं। कारण क्या है दोस्तों कि इसमें हम ना तो मिर्च मसाला खाते हैं, ना ही हैवी चीजें खाते हैं, ना कोई ऑयली चीजें खाते हैं। हम इसमें बहुत हल्का खाना खाते हैं, जिसके कारण से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हमारी पाचन क्रिया बहुत फास्ट हो जाती है, जिसके कारण से हमारे बॉडी में फैट ज्यादा स्टोर नहीं हो पाता है। दूसरा कारण है कि हमारी बॉडी में दवा भी फैट को डिसॉल्व करती है, फैट को प्रोटीन को ज़्यादा डाइजेस्ट करती है। हमारे बॉडी में जितना भी हार्ड फैट है उसको सॉफ्ट करती है, उसको घोलने का काम करती है। तो जिस कारण से न्यूरोफाइब्रोमा के पेशेंट पतले हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आपको डाइट भी उस तरह का करवाते हैं कि आपको ज़्यादा फर्क भी ना पड़े। आपको हम बताते हैं कि आपको पनीर लेना है, आपको किशमिश लेना है, आपको समय समय पर मीठा भी खाना है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हमने आपको पनीर बताया या हमने आपको दूध रोटी बताई या हमने दूध दलिया बताया, तो बहुत से पेशेंट क्या करते हैं कि दूध दलिया दिन भर खाने लगते हैं, दूध रोटी भी दिन भर खाने लगते हैं। तो इस चीज के कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसके कारण से दवा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है जितना उसको देना चाहिए। क्योंकि दवा कहीं ना कहीं फैट को कम करने का काम करती है, फैट को हार्ड फैट को सॉफ्ट बनाने का काम करती है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में ज्यादा फैट डाल रहे हैं तो आपकी बॉडी में ज्यादा फैट बढ़ेगा, जिसके कारण से आपकी बॉडी में न्यूरोफाइब्रोमा कम नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इस कंडीशन में लेना है कि आपकी बॉडी में ज्यादा फैट भी ना बढ़ पाए। अगर आपकी बॉडी ज्यादा पतली हो रही है तो आप वीक में एक बार पनीर ले सकते हैं, ज्यादा पतली नहीं हुई है तो 15 दिन में आपको पनीर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप पनीर को लेने से आप मोटे होने लग गए हैं तो आपको पनीर को क्लोज भी करना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि मैं नारियल पानी के लिए बताता हूं, लेकिन नारियल पानी के कारण से बहुत लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। तो अगर आपके यहाँ बरसात हो रही है, आपके यहाँ अगर सर्दी का मौसम हो गया है, तो आपको नारियल पानी डेली नहीं पीना है। क्योंकि बरसात में नारियल का पानी डेली पीने से हमारी आंतों में सर्दी के कारण से ठंड बैठने लगती है और सूजन होने लगती है, जिसके कारण से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, पेट में दर्द होना, उल्टी फील होना। उसी प्रकार का किशमिश का फंडा है। किशमिश अगर आपके यहाँ सर्दी पड़ रही है और सर्दी में आप सुबह खाली पेट किशमिश खाएंगे तो भी आपको सर्दी हो जाएगी। इसलिए सर्दी के मौसम में सुबह सुबह किशमिश नहीं खाना है, किशमिश को आप दोपहर को खाइए, शाम को खाइए। तो इन सब चीजों का बहुत आपको ध्यान रखना होता है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि उनको बताया गया है कि सादा सिंपल खाना खाना है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनको अच्छा खाने की आदत है। वो अपनी दाल में मलाई भी डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स को भी डालते हैं, हल्दी की मात्रा भी ज्यादा खाते हैं। तो मित्रों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हल्का खाना, मिर्च मसाले के बिना खाना बताया गया, इसका मतलब है कि आपको खाना लाइट खाना है। आप अपनी रोटियों में भी पूरी की रोटियां बना रहे हैं, आप पालक की रोटियां बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप जब तक सादा सिंपल खाना नहीं खाएंगे आपको दवा काम नहीं करेगी। तो ये गलतियां ना करें। बहुत से लोग 2-2, 3-3 सब्जियां खाते हैं, बोलते हैं बिना मिर्ची की सब्जी खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अगर आप हल्दी डाल के भी बहुत सारी सब्जी खा रहे हैं तो भी आपके बॉडी में ज्यादा वो हीट करेगी, एसिड बनाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको एक ही सब्जी खाना, या तो दाल खाना है या कोई हरी सब्जी खाना है, ज्यादा वैरायटी वाली सब्जियां नहीं खाना है। वही कई लोग रोटी में प्लेन रोटी की जगह पर रोटी में तेल लगा के उसका पराठा बनाते हैं और बोलते हैं वो तो प्लेन रोटी है। रोटी में अगर तेल लगा के अगर उसको सेका जाएगा वो पराठा बन जाता है, जिसकी तासीर गर्म हो जाती है और बॉडी में जाके वो आपको पानी ज्यादा सोखता है। इसलिए रोटी प्लेन खाना है, बिना ऑयली वाली। कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि रोटी के ऊपर तेल लगा के उसको अगर सेक दिया जाए तो वो पराठा नहीं, उसको भी वो रोटी बोलते हैं, और सिंपल रोटी को वो फुल्का बोलते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें लोकल भाषा के वर्ड होते हैं। आप रोटी को जिसमें बिना ऑयल की रोटी होती है वही रोटी होती है, और ऑयल लगा के अगर रोटी को बनाया जाएगा वो पराठा बन जाएगा, इसलिए आप उसको नहीं खाना है आपको। बहुत से लोगों को मैंने बोला है कि आप गर्मी में ना रहें। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम दिन भर गर्मी में रहते हैं सर, सॉरी दिन बहुत से लोग बोलते हैं हम दिन भर एसी में रहते हैं और शाम को घर पे आते हैं तो हमारे घर में पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, हमको थोड़ी रात गर्मी में रहती है। तो ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि दिन भर आप मान लो खाली पेट रहते हो, शाम को पेट भर के आप नॉनवेज खा लोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा आपका खाली पेट रहने का। उसी प्रकार ऐसा कि दिन भर आप एसी में रहे हो और शाम को आप गर्मी में रह रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, दवा भी काम नहीं करेगी।
न्यूरोफाइब्रोमा का जो टेंडेंसी होती है वो होती है कि बॉडी में गर्मी बढ़ना, शरीर में छोटे छोटे पिंपल आना, वही पिंपल हार्ड हो जाना और वही हार्ड पिंपल बड़े होकर न्यूरोफाइब्रोमा बन जाना। ये न्यूरोफाइब्रोमा की पेशेंट की बॉडी की टेंडेंसी होती है। इसी प्रकार ब्लैक स्पॉट का होता है कि जिन माँ लोगों ने कोई दवाई खाई है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उनके बच्चों में ब्लैक स्पॉट बाय बर्थ आ जाते हैं, न्यूरोफाइब्रोमा बाय बर्थ आ जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत कमजोर हैं, खाना नहीं खाते हैं, उनकी भूख बहुत कम है, रात रात भर जागते नहीं है, उन लोगों को भी ब्लैक स्पॉट की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। जिन लोगों की बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम है उन लोगों की बॉडी के अंदर भी ब्लैक स्पॉट ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको कपालभाति अनुलोम विलोम बोलो के लिए बोला जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़े ताकि आपकी बॉडी में ब्लैक स्पॉट ना बढ़े। तो अगर आप पतले हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किशमिश भी खाना है, मिठाई भी खाना है, पनीर भी खाना है और आपको दूध रोटी भी खाना है। लेकिन दूध रोटी भी दिन भर नहीं खाना है, पनीर भी दिन भर नहीं खाना है, दूध दलिया भी दिन भर नहीं खाना है। दूध दलिया आप एक टाइम खाएंगे, दूध रोटी भी एक टाइम खाएंगे ताकि आपकी बॉडी में जो जरूरत है वही मिले, ओवर फैट ओवर प्रोटीन ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत इलाज करवाए हैं सर, लेकिन हमारा न्यूरोफाइब्रोमा दवा लेने के बाद केवल बढ़ा। वो लोग आयुर्वेद में भी गए, एलोपैथी में भी गए और होम्योपैथी में गए। मैंने देखा है एलोपैथी डॉक्टर बोलता है कोई इलाज नहीं है, लेकिन पेशेंट के बोलने पर वो उनको गैस की दवा और मल्टीविटामिन दे देते हैं। मल्टीविटामिन का और गैस की दवा का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मल्टीविटामिन आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है और आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन के कारण से फैट पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी में हीट बढ़ती है और न्यूरोफाइब्रोमा और ज्यादा बढ़ने लगता है। उसी प्रकार मैंने देखा आयुर्वेद वाले लाइपोमा को न्यूरोफाइब्रोमा में वो कोई डिफरेंस ही नहीं समझते, वो लाइपोमा की दवा इसमें चलाते हैं, कचना गूगल दे देंगे, वृद्धि वाटिका पट्टी देंगे या कोई और गर्म दवाइयां दे देंगे, जिसके कारण से भी उनका न्यूरोफाइब्रोमा बढ़ने लगता है। वही मैंने होम्योपैथी में भी देखा है कि होम्योपैथी वाले लाइपोमा के कुछ ड्रॉप दे देंगे, वो ड्रॉप यूज करते रहते हैं और वो उनका न्यूरोफाइब्रोमा बढ़ता रहता है। तो आप दवा भी बहुत सोच समझ के यूज करें, दवा गलत दवा के कारण भी आपका न्यूरोफाइब्रोमा बढ़ जाएगा। बहुत से पेशेंट सोचते हैं कि वो मेरी डाइट को फॉलो करेंगे उनका न्यूरोफाइब्रोमा ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। न्यूरोफाइब्रोमा की दवा को सपोर्ट करने के लिए मैं ये वाली डाइट बताता हूं, दूसरे डॉक्टर की दूसरी डाइट हो सकती है, लेकिन अकेली डाइट से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई इलाज लोगे तो सोच समझ के लोगे, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा में आपने गलत इलाज लिया तो आपका न्यूरोफाइब्रोमा तेजी से बढ़ने लग जाएगा। कि मैं बताता हूं कि न्यूरोफाइब्रोमा को आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। बहुत से लोग मुझे गालियां देने लगते हैं, एक साल से आप बात कर रहे हो, एक साल से आप इलाज के बारे में पूछ रहे हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इसको इलाज लेट मत करो, जल्दी से जल्दी इलाज करो, ये पुराना ठीक नहीं होता है। फिर आप डेढ़ दो साल बाद मुझसे बोल रहे हो कि मैंने बहुत इलाज करा के देख लिया सर, आप इलाज करो। फिर मैंने उस समय आपको मना कर दिया कि अब आपका ठीक नहीं हो पाएगा, तो बदले में आप मुझे गालियां दे रहे हो। तो ठीक है, आपको शायद यही सिखाया गया होगा कि किसी आदमी से पूरा हेल्प लो, किसी आदमी से पूरी एडवाइस लो और उसको गालियां भी दो, इसमें लॉस केवल आपका है दोस्तों। आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किस्मत की बहुत बड़ी चीज होती है। किस्मत में जब इस बीमारी को लेकर घूमना ही है तो आपका दिमाग भ्रमित हो जाएगा, इसमें आपको भगवान भी नहीं समझा सकते। दोस्तों बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो दवाई को ले रहे हैं लेकिन वो डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो केवल दाल और चावल खा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खा रहे हैं, और फिर वो बोल रहे हैं कि हमको दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको दवा के साथ फल खाना पड़ेगा, किशमिश खाना पड़ेगा, नारियल पानी भी पीना पड़ेगा, नींद पर ध्यान रखना पड़ेगा और पेट भर के खाना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत कम क्वांटिटी में खाना खा रहे हो। अगर आप कम क्वांटिटी में खाना खाओगे तो भी आपकी बॉडी एसिडिक होगी और आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। मैंने देखा है कि बहुत से न्यूरोफाइब्रोमा वाले अपनी फोटो को शेयर नहीं करते हैं, मैं उनसे बोलता हूं फोटो भेजिए, वो फोटो को हमेशा गलत तरीके से खींचते हैं और एक सी फोटो नहीं देते, जिसके कारण से उनका कंपैरिजन मैं सही तरह से नहीं कर पाता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप फोटो भेजें, आपने जिस प्रकार की फोटो, जिस एंगल में फोटो पहली बार भेजी थी, उसी प्रकार की फोटो आपको हर दो महीने में भेजना है, ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं। अगर मुझे रिजल्ट नहीं दिखाई दे तो मैं आपकी सारी इंक्वायरी कर सकूं कि कहां पर कमी हो रही है, क्या गलती हो रही है। और बहुत से लोग ऐसे भी लोग हैं कि मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि न्यूरोफाइब्रोमा का स्प्रे चाहिए, इससे आप अपनी बीमारी ठीक कर लेंगे। दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा का जो स्प्रे है वो एक्स्ट्रा के लिए है, एक्स्ट्रा यूज कराने के लिए है, उसका मेन दवा नहीं है। मेन दवा न्यूरोफाइब्रोमा की खाने वाली दवा होती है, स्प्रे जो होता है वो एक्स्ट्रा में लगाने के लिए होता है, जो मैं 4-5 महीने के बाद आपको सजेस्ट करता हूं कि इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन दवा न्यूरोफाइब्रोमा की खाने वाली दवा है, उसी से आप ठीक होंगे। स्प्रे मात्र से ना वो ठीक होगा, ना स्प्रे एक परमानेंट दवा है, ना वो कंपलसरी दवा है, वो एक्सटर्नल दवा है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए,
नहीं भी करेंगे तो भी आपका न्यूरो फाइब्रोमा ठीक होगा खाने वाली दवा से। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप पतले हो रहे हैं तो आप बीच बीच में पनीर खाइए, बीच बीच में किशमिश खाइए, नारियल पानी भी पीजिए। अगर आपके यहाँ सर्दी ज्यादा है, बरसात ज्यादा है, तो नारियल पानी 3-4 दिन में एक बार दोपहर को पीजिए, किशमिश भी आप दोपहर को खाइए। अगर आपके यहाँ सर्दी है, किशमिश का फायदा खाली पेट ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ सर्दी है तो फिर आपको किशमिश शाम के टाइम खाना चाहिए। न्यूरो फाइब्रोमा में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो महिलाएं किचन में काम करती हैं, क्योंकि 70% इसमें महिलाएं हैं, 30% पुरुष हैं, यह बीमारी महिलाओं को ज्यादा देखी गई है। मेरे पास महिलाएं ज्यादा हैं इस डिसीज को लेके। तो आप किचन में अगर काम करते हैं, अगर आप धूप में घूमते हैं या धूप में आपको बैठना पड़ता है, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे अगर आप धूप में घूम रहे हैं। आप धूप में घूमेंगे, आपको पिंपल होंगे, वही पिंपल आपके न्यूरो फाइब्रोमा बनेंगे और फिर धीरे धीरे आपको दवा का फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आपकी बॉडी में से गर्मी ठीक नहीं हुई। तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, तब जाके आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।